तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और श्रापी ट्रेन का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि गुल्ली बुल्ली और सोन अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, मगर इनकी ट्रेन अभी तक नहीं आई है और रात काफी हो चुकी है। तभी इनकी ट्रेन आ जाती है और ये तीनों जल्दी से जल्दी ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। ट्रेन के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं है, पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली होती है। फिर अचानक से सोन देखता है कि अरे ये क्या, इस ट्रेन में तो मिस्टर मीट आ गया है और अब क्या होगा। फिर मिस्टर मीट इन तीनों को धमकी देता है कि इन तीनों को मिस्टर मीट खा जाएगा। फिर मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और सोन के तरफ बढ़ने लगता है और फिर ये तीनों के तीनों काफी डर जाते हैं। फिर अचानक से गुल्ली को याद आता है कि बाबा ने उसे बोला था कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम लोगों के सामने आ जाऊंगा। फिर ये लोग बाबा को याद करने लगते हैं और इधर बाबा ध्यान लगाए बैठे होते हैं। फिर बाबा को लगता है कि उन्हें कोई पुकार रहा है और बाबा का ध्यान टूट जाता है। बाबा समझ जाते हैं कि उन्हें गुल्ली बुल्ली और सोन ही याद कर रहे हैं, क्योंकि ये तरीका सिर्फ उन तीनों को ही पता है मुझे बुलाने का। फिर बाबा तुरंत अपनी हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के तुरंत गुल्ली बुल्ली और सोन को बचाने निकल पड़ते हैं। और इधर मिस्टर मीट खुशी से नाच रहा होता है क्योंकि आज वो इन तीनों को मार के खा जाएगा। फिर अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है और बाबा ट्रेन में कूद जाते हैं। ट्रेन में उतरते ही वो देखते हैं मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और सोन पे हमला करने वाला होता है। तभी बाबा मिस्टर मीट को एक लात मारते हैं, फिर मिस्टर मीट दूर फेंका जाता है। तभी मिस्टर मीट गुस्से में खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा अब तुम देखोगे मेरी असली शक्तियां, अब आगे। अरे बाबा इसे देखो तो, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, इसे मार मार के फुटबॉल बना दो। फिर सोन कहता है, हाँ हाँ बाबा, फिर हम इसे ग्राउंड में ले जाके खूब खेलेंगे। फिर बुल्ली कहता है, मगर सोन फुटबॉल तो पहले से ही गोल होती है, भला हम इसे क्यों गोल करेंगे। फिर सोन कहता है, अरे बुल्ली मैं उस गोल वाले गोल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम्हारी बातों ने तो मुझे भी चकरा दिया, ये क्या गोल गोल लगा रखे हो। सोन कहता है, अरे ये तो मेरा बचपन का टैलेंट है, बस मैं इस टैलेंट पे कभी घमंड नहीं किया, और अगर तुम्हें भी सीखना है तो आ जाना सुबह में 10 बजे और साथ में 10,000 रुपए भी लेते आना, और तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें खास एक डिस्काउंट भी देता हूँ, मैं तुम्हें 9,999 में सिखाऊंगा। फिर बुल्ली कहता है, अरे सोन ये तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, मुझे भी आना है तुम्हारी क्लास में। फिर मिस्टर मीट कहता है, अगर तुम सभी की बातें हो गई हो तो अब काम की बात पे आते हैं, वैसे भी तुम सब में से कोई बच के यहाँ से नहीं जाने वाला है, तो जो भी क्लास वगैरह है तुम यहीं पे कर लो, वैसे भी मैं बहुत दयालु हूँ इसलिए मैं तुम सभी को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। फिर सोन कहता है, देखो गुल्ली बुल्ली मेरे जैसी खतरनाक बातें करने के लिए तुम सभी को सबसे पहले अपना फेफड़ा मजबूत करना होगा, इसलिए जल्द से जल्द रोज एक साइकिल निकालो और 10 किलोमीटर तक चलाओ। फिर बुल्ली कहता है, भला हम इस ट्रेन में कैसे साइकिल चलाएंगे और यहाँ साइकिल आएगी कैसे, ये तो नियम के खिलाफ है, और तो और हमारे पास हेलमेट भी नहीं है, हमारा तो चालान कट जाएगा। फिर सोन कहता है, अरे ये तो बात तुम्हारी सही है, चलो फिर 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाओ। फिर बुल्ली कहता है, भला इस ट्रेन में 1 किलोमीटर तक कोई कैसे भागेगा, ये पूरी ट्रेन ही 1 किलोमीटर लंबी इतनी नहीं है, तो भागेगा कोई कैसे। फिर मिस्टर मीट कहता है, तुम सभी का समय खत्म हुआ, अब मरना पड़ेगा तुम्हें। फिर मिस्टर मीट ने बाबा पे हमला कर दिया और बाबा मिस्टर मीट के हमले से बच गए। फिर बाबा कहते हैं, मिस्टर मीट तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत मोटा होता जा रहा है और तुम काफी स्लो हो गए हो। फिर मिस्टर मीट ने बाबा को तो मुक्का मार दिया। मिस्टर मीट कहता है, ये तो मेरी चाल थी और तुम भी मेरे चाल में फंस गए, मेरे चाल से कोई नहीं बच सकता है। और बाबा गुस्से में खड़े हो गए और बाबा मिस्टर मीट को पकड़ के मारने लगे। फिर गुल्ली कहता है, अरे बहुत बढ़िया बाबा, यूं घुमा के मारो और मजा आएगा। और बाबा अपने दोनों हाथों से मिस्टर मीट के टकले पे वार करने लगे। बाबा ने तो मिस्टर मीट को ट्रेन से ही फेंक दिया। फिर सोन कहता है, अरे ये तो कमाल कर दिया बाबा, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया बाबा। फिर बाबा कहते हैं, ये तो मेरा काम ही है, मगर ये क्या, मिस्टर मीट तो दोबारा अंदर आ रहा है। सोन कहता है, बाबा वो देखो मिस्टर मीट तो अभी भी ट्रेन पे है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बाबा कहते हैं, तुम सभी यहीं खड़े रहो, इसको तो मैं देखता हूँ। बाबा मिस्टर मीट के पास जाके मिस्टर मीट को ट्रेन में लड़ा लड़ा के मारने लगते हैं। फिर मिस्टर मीट कहता है, अरे बाबा ये तो चीटिंग है, मुझे अंदर तो आने दो। फिर बाबा कहते हैं, इससे अच्छा क्यों ना मैं तुम्हें ट्रेन से ही फेंक दूं। और बाबा ने इसे तो ट्रेन से धक्का मार दिया।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।